अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं एन इंडियन यूट्यूबर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो रहे हैं उनका क्या बेनिफिट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो पुराने पैन कार्ड बने हुए हैं वो आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। क्योंकि पहले आधार कार्ड जब नहीं बने थे तो लोगों ने वोटर आईडी के ज़रिए और अदर वोटर कार्ड के ज़रिए तो अपनी आईडी क्रिएट करवाई थी, यानी कि पैन कार्ड बनवाया था। अब वही पैन कार्ड हमारे आधार कार्ड से लिंक होने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इन केस वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाएँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसकी जो लिमिट है, यानी कि वैलिड जो तारीख थी, वो अब और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, यानी कि अब इसे 30 जून तक लास्ट तक कर दिया गया है। लेकिन फ़ीस वही है अभी आपकी 1000 रुपये की, जो कि आपको चालान के रूप में पे करनी होगी। तो आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाएं और डीएक्टिवेट होने से बचाएं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें टाइप करें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।